प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं लेसन 7, वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। हम इस लेसन में पढ़ेंगे वेदर यानी मौसम के बारे में, क्लाइमेट यानी जलवायु के बारे में, और एनिमल्स किस तरह से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं क्लाइमेट के हिसाब से, ये पढ़ेंगे। Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? क्या आपको याद है कि जब आप हिल स्टेशन पर जाने को थे तो आपको किस किस चीज़ को पैक करने के लिए कहा जा रहा था? When the sky is cloudy, जब स्काई में क्लाउड्स होते हैं, your parents insist, आपके पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं, जोर देते हैं, किस बात पर? दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला, कि आप अम्ब्रेला लेकर के जाएं। क्यों? क्योंकि स्काई में क्लाउड्स से ये अंदाज़ा लगता है उनको कि बारिश हो सकती है। हैव यू हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली, क्या आपने सुना है अपने परिवार में बड़ों को डिस्कस करते हुए, डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग ए फैमिली फंक्शन, डिस्कस करते हुए फैमिली फंक्शन से पहले मौसम के बारे में। यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड, आपने ज़रूर सुना होगा द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ ए गेम, गेम से पहले एक्सपर्ट्स को डिस्कस करते हुए वेदर के बारे में, मौसम के बारे में। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई, क्या आपने कभी सोचा है कि ये डिस्कशंस क्यों होते हैं? The weather may have a profound effect on the game. मौसम का गेम पर बहुत गहरा असर हो सकता है। It has a profound effect on our lives. इसका हमारी lives पर भी बहुत गहरा असर होता है। Many of our daily activities are planned. हमारे रोज़ की activities plan होते हैं based on, किस पर based? On the weather predicted for that day, जो weather predict होता है, पहले से बताया जाता है अगले दिन के लिए weather, उस पर हमारी activities based होती हैं। For example, अगर ये prediction हो कि कल को बारिश होगी, तो naturally हम जब बाहर निकलेंगे तो इंतज़ाम करके निकलेंगे, like कि raincoat लेकर के, छाता लेकर के, या फिर दूसरे तरीकों से। There are daily reports of the weather on the television. हर रोज वेदर पर रिपोर्ट्स आती हैं टीवी पर, रेडियो पर, और एंड इन द न्यूज़पेपर्स और न्यूज़पेपर्स में। बट डू यू नो वॉट दिस वेदर रियली इज, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेदर जो है वो वास्तव में है क्या? In this chapter, we will study about the weather and climate. इस चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। We will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat. हम इस लेसन में ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से different forms of life, life के different forms या फिर different living organisms अपने आप को अडेप्ट करते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं अपने हैबिटेट के, क्लाइमेट के हिसाब से। वेदर, इन फिगर 7.1 ए सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर इज गिवन। आइए देखते हैं फिगर 7.1, इसमें ये वेदर रिपोर्ट है एक न्यूज़पेपर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 16.1 डिग्री सेल्सियस, ये ब्रैकेट में -5 शायद ये कहता है कि पिछले दिन से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा होगा मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर 2.6 डिग्री सेल्सियस। सनसेट ट्यूसडे 5:41 PM, सनराइज वेडनसडे 7:15 AM, मून सेट वेडनसडे 11:13 AM, मूनराइज ट्यूसडे 11:05 PM, मिस्ट एंड फॉग इन द मॉर्निंग। ये सारी चीज़ें, मिस्ट एंड फॉग मतलब धुंध और कोहरा, सब चीज़ें बता रही हैं कि ये सर्दी के किसी दिन का वेदर रिपोर्ट है। पार्टली क्लाउडी स्काई, स्काई में थोड़े थोड़े बादल
मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि मिनिमम टेम्परेचर होगा अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ऑन मंडे 83% एंड मिनिमम ह्यूमिडिटी 37%। ह्यूमिडिटी बताती है, ह्यूमिडिटी होता है मेजर किस चीज़ का, कि हवा में एयर में मॉइस्चर कितना है। इधर बूजू क्या कह रहा है, आई वंडर हु प्रिपेयर्स दीज रिपोर्ट्स। बूजू कह रहा है कि मुझे हैरानी होती है कि इन रिपोर्ट्स को कौन तैयार करता है। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है वेदर रिपोर्ट्स? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स, ये डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है क्या, डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एट्सेट्रा। टेम्परेचर, विंड वगैरह पर ये डेटा कलेक्ट करता है एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन, और वेदर की प्रेडिक्शन करता है, एडवांस में वेदर के बारे में बताता है। वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द, हमने देखा वेदर रिपोर्ट को पढ़कर कि जो वेदर रिपोर्ट है हर रोज की, वो कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी करती है, अबाउट द टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, एंड रेनफॉल, और रेनफॉल के बारे में ड्यूरिंग द लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटे की। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे, ये दिन के वेदर को भी प्रिडिक्ट करता है, एडवांस में बताता है। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज ए मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर। ह्यूमिडिटी, जैसे कि मैंने अभी बताया, हवा में कितना मॉइस्चर है उसको बताती है, उसको मेजर करती है। एक्टिविटी 7.1, कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। क्या करना है, पिछले वीक की, पिछले हफ्ते की न्यूज़पेपर में से वेदर रिपोर्ट्स की को कट करना है, कटिंग्स कलेक्ट करनी है। इफ़ यू डू नॉट गेट ए न्यूज़पेपर, अगर आपके घर न्यूज़पेपर नहीं आता एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स, अपने नेबर्स से या फ्रेंड्स से बोरो कर लें न्यूज़पेपर एंड कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में इन रिपोर्ट्स को कॉपी कर लें, लिख लें। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम ए लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी से भी वेदर रिपोर्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से न्यूज़पेपर देख करके। पेस्ट ऑल द कटआउट्स ऑन ए वाइट शीट, सारी कटिंग्स को या फिर जो आपने लिखा है उनको वाइट शीट पर पेस्ट कर लें, और ऑन ए चार्ट पेपर या चार्ट पेपर पर पेस्ट कर लें। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1, और ये जो सारी इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी की है, कलेक्ट की है, इसको टेबल 7.1 में लिखें। द फर्स्ट रो इज जस्ट ए सैम्पल, पहली जो रो है वो केवल सैम्पल है, उसको देख करके लिखें। फिल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डाटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। डाटा को टेबल 7.1 में लिखें, जैसे कि आपने चार्ट में प्रिपेयर किया है। ये है टेबल 7.1, डेट डालें यहाँ पर जिस डेट का आपने कलेक्ट किया है डाटा, फिर मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। अब क्योंकि रेनफॉल डेली नहीं होती है, तो जिस दिन की रेनफॉल का डाटा ना हो उस दिन उस कॉलम को खाली रहने दें। रेनफॉल मे नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल द डेज सिंस इट मे नॉट रेन एवरी डे, वही बात कही गई है यहाँ पर। लीव द स्पेस फॉर रेनफॉल ब्लैंक इफ द डाटा इज नॉट अवेलेबल। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज।
रेनफॉल को मेजर करते हैं किससे, एक इंस्ट्रूमेंट से, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रेन गॉज। इट इज़ बेसिकली ए मेजरिंग सिलेंडर। बेसिकली रेन गॉज क्या होता है, एक मेजरिंग सिलेंडर होता है। सिलेंडर के ऊपर ग्रेजुएशंस होती हैं, स्केल बना होता है। विद ए फनल ऑन वाटर, रेन वाटर, रेन वाटर। तो रेन गॉज एक सिलेंडर है, उसके उसके टॉप पर क्या होता है, फनल होता है, कीप होती है, क्या करने के लिए, रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। Do all the 7 days have the same maximum and minimum temperatures, humidity and rainfall? क्या पूरे हफ्ते, पूरे 7 के 7 दिन maximum temperature, minimum temperature, humidity और rainfall same रहते हैं? नहीं। The maximum and minimum temperatures recorded may be the same for some of the days. हाँ, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर कुछ दिनों के लिए सेम हो भी सकते हैं। हाउएवर, लेकिन ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 डेज। लेकिन सारे पैरामीटर्स किन्हीं भी 2 दिनों पर सेम नहीं हो सकते। ओवर ए वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन। पूरे वीक में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी हो सकते हैं। The day-to-day condition of the atmosphere at a place. हर रोज़ की condition, atmosphere की किसी जगह पर, किस respect में, with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. तो यहाँ आती है definition, what is weather at a place. तो डे टू डे कंडीशन किसकी, एटमॉस्फेयर की, किस रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एट्सेट्रा। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। अब अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, दीज आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एट्सेट्रा। The weather of a place changes day after day. जो weather है किसी place का, वो एक एक दिन में change हो जाता है। And week after week, week after week भी change हो जाता है। एक week के बाद next week में different होगा। That is why we often say, तभी हम अक्सर कहते हैं, today's weather is too humid. हम कह देते हैं आज का वेदर, आज का मौसम कितना ह्यूमिड है, मतलब आज कितनी ह्यूमिडिटी है एयर में, कितना ज़्यादा मॉइस्चर है। अक्सर बरसात में होता है ऐसा। और द वेदर वॉज वॉर्म लास्ट वीक, या फिर हम कहते हैं कि लास्ट वीक वेदर वॉर्म था, गर्मी के मौसम में ऐसा कह देते हैं। The weather is such a complex phenomenon that it can vary over very short periods of time. Weather जो है वो इतना complicated phenomena है कि ये बहुत थोड़े time पर भी बहुत ज़्यादा changes इसमें आ जाते हैं। It can happen sometimes, कभी कभी क्या हो सकता है, that it is sunny in the morning, morning में धूप निकली हो, but suddenly अचानक से क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नोवेयर, अचानक से कहीं से क्लाउड्स आ जाते हैं, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैविली, और बहुत ज़ोरदार बारिश होने लगती है। और या फिर क्या होता है, ए हैवी रेन मे वैनिश इन ए मैटर ऑफ मिनट्स। क्या हो सकता है कि हैवी रेन हो रही हो और थोड़े ही टाइम में, विद इन मिनट्स, ये ख़त्म हो जाए, वैनिश हो जाए, और गिव वे टू ब्राइट सनलाइट, और फिर ब्राइट सनलाइट, सनशाइन निकल आए, धूप निकल आए। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस। आपको भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह आपने देखा सनशाइन है, धूप है, आप छाता लेकर नहीं गए, लेकिन थोड़े टाइम के बाद
वापस बारिश हो रही है, और फिर आप जब स्कूल से वापस आते हैं तो हो सकता है बारिश है तो भीग सकते हैं। इस तरह के एक्सपीरियंसेस, ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इस तरह के एक्सपीरियंसेस याद करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सिंस वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, क्योंकि मौसम बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ नॉट इजी टू प्रिडिक्ट। इसको प्रिडिक्ट करना, इसकी प्रिडिक्शन पहले से बताना, यानी वेदर की भविष्यवाणी, ये आसान काम नहीं है। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड। आइए ग्राफ देखते हैं जिसमें कि क्या रिकॉर्डेड है, मैक्सिमम टेम्परेचर कब से कब तक, 3rd अगस्त 2006 टू 9th अगस्त 2006, कहाँ का, एट शिलोंग मेघालय, शिलोंग का। चलिए फिर शिलोंग चलते हैं। तो ये है 3rd अगस्त का, 3rd अगस्त से लेकर के 9th अगस्त तक का। सबसे पहले तो ये देखें कि ग्राफ में एक्स एक्सिस पे प्लॉट क्या किया है, 3rd अगस्त, 4th अगस्त, 5th अगस्त, तो ये डेट्स प्लॉट किए हैं, यानी टाइम प्लॉट किया है एक्स एक्सिस पे। जो चीज़ अपने आप चेंज होती है, किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, डेट यानी टाइम दूसरी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, ऐसी चीज़ को प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर, ये डिपेंड कर रहा है डेट पर, कि 3rd अगस्त को 26 डिग्री सेल्सियस है, 4th को 23.5 डिग्री सेल्सियस, और इस तरीके से टेम्परेचर जो है वो डेट के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो ऐसी चीज़ जो डिपेंडेंट हो दूसरी चीज़ पर, उसको प्लॉट करते हैं अलोंग वाई एक्सिस। हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस, डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्लॉटेड अलोंग वाई एक्सिस। तो ये देखिए कि 3rd अगस्त को, ये 3rd अगस्त और टेम्परेचर 26.0 डिग्री सेल्सियस, 4th अगस्त टेम्परेचर 23.5 डिग्री सेल्सियस, 5th अगस्त को कितना हो गया, 25.0 डिग्री सेल्सियस, और 6th अगस्त को ये हो गया 22.0 डिग्री सेल्सियस, इधर ये बता रहा है। 7th अगस्त को ये हो गया 25.5, यहाँ से 25.5, फिर 8th अगस्त को इधर से 8 और इधर से 23.3, 9th अगस्त को इधर से 9 और इधर से देखिए 24.4। तो आपने देखा कि काफ़ी वेरिएशंस हैं। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट, जैसा कि किसी भी वेदर रिपोर्ट से क्लियर है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड एवरी डे। हर रोज़ क्या रिकॉर्ड किए जाते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। डू यू नो हाउ दीज टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड, क्या आप जानते हैं कि ये टेम्परेचर्स कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। इन चैप्टर 4 में, हीट के चैप्टर में, यू हैव लर्न्ड दैट देयर आर स्पेशल थर्मामीटर्स। आपने वहाँ पर सीखा कि स्पेशल थर्मामीटर्स होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। इन थर्मामीटर्स को क्या कहते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर, क्या आप गेस कर सकते हैं कि दिन के समय, दिन के कौन से हिस्से में टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, एंड व्हेन द टेम्परेचर मिनिमम, और कब टेम्परेचर मिनिमम होता है कौन से हिस्से में दिन के। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून, मैक्सिमम टेम्परेचर आमतौर पर आफ्टरनून में होता है, वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स, जबकि मिनिमम टेम्परेचर होता है आमतौर पर इन द अर्ली मॉर्निंग। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड, क्या अब आप समझ सकते हैं, वाई इन समर्स, क्यों गर्मियों में
वी फील सो मिजरेबल, हम इतना मिजरेबल, इतना अनकंफर्टेबल फील करते हैं इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में, क्योंकि आफ्टरनून में टेम्परेचर मैक्सिमम होता है एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल, और उसके मुकाबले थोड़ा से कंफर्टेबल फील करते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर मिनिमम होता है अर्ली मॉर्निंग में. अब बूझो कह रहा है आई वंडर व्हाई वेदर चेंजेस सो फ्रीक्वेंटली. बूझो कह रहा है कि मुझे हैरानी हो रही है कि मौसम इतनी जल्दी जल्दी, इतना फ्रीक्वेंटली क्यों चेंज होता है. पहेली क्या कह रही है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस. वेदर के चेंज होने का सोर्स क्या है, क्या कारण है, क्यों चेंज होता है वेदर, हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में. थैंक यू.